हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मेजर अरकाना से मैं लूँगी 5 कार्ड्स और देखेंगे क्या एनर्जी चल रही है कलेक्टिव लेवल पर आपके पार्टनर्स की, और उसके बाद हम इसे टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज आज के दिन में कैसी हैं, क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है, द सन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, पेरेंट्स की एनर्जी है, समथिंग रिलेटेड विद ओके टावर, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, क्लैरिफाई करेंगे हम कैसा एक्शन है। स्ट्रेंथ, 2 मोर कार्ड्स। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जी एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। दो कार्ड और, एक कार्ड आ गया है हमारे पास, द हेरोफेंट। ओके, दोनों ही कार्ड आना चाह रहे हैं, द जजमेंट एंड हैंग्ड मैन। बॉटम से है द स्टार। साइंस यहाँ पर जो निकल कर आए हैं वो है लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन। लियो बहुत स्ट्रांग है, देन वी हैव टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, लिब्रा, पाइसिस। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। कुछ मुझे सेजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर है, सेजिटेरियस को भी हम ले सकते हैं। बाकी टैरो से सभी साइंस निकल कर आएंगे, बट जो मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है कि आपके पार्टनर के लाइफ से जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ हो जाएँ, या उनके जो भी कर्मा बैगेजेस हैं वो हील हो जाएँ। और आप में से कई लोगों की ये मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नज़र आ रही है उनके लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लाइफ में डिज़र्व नहीं करते, बट फिर भी वो उनके लाइफ में हैं। ऐसे कुछ लोग उनके लाइफ से निकलने वाले हैं सडनली। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो कुछ बड़े डिसीजंस शादी से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड लेने के विचार में हैं, सोच विचार यहाँ पर चल रहा है, एक्शन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं, डिसीजन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं कलेक्टिव लेवल पे। द सन का कार्ड क्यों आया है मेजर अरकाना से। द सन के लिए आया है स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। 24/7 आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, चल रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो रोबोट की तरह, ये अपने लाइफ की अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में आप ही छाए हो, सबकॉन्शियस माइंड में ये आपके साथ एक अलग ही लाइफ जी रहे हैं या जी रही हैं। आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ पैशनेट फील करते हैं, आपको अपने पास फील करते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, लव लाइफ से रिलेटेड एक्शन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बोल्ड स्टेप्स ये लेना चाह रहे हैं। देखिए सन के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है और सन को लियो ने क्लैरिफाई किया है, स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। लियो एनर्जी आज के दिन में बड़ी स्ट्रांग है। टावर क्यों आया है, कैसा टावर मोमेंट चल रहा है, कैसा टावर मोमेंट चल रहा है आपके पार्टनर्स की एनर्जी में, टावर का कार्ड क्यों आया है। किसी तरह का लीगल सिचुएशन, कर्मा साइकिल क्लोज होगी, या किसी तरह के कोर्ट कचहरी का मसले में हो सकते हैं, वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, या उस सिचुएशन में पड़ सकते हैं लीगली कुछ ख़त्म करने के लिए, या यहाँ पर टावर मोमेंट किसी भी तरह का कर्मा साइकिल यहाँ पर दिख रहा है।
टेम्परेंस की भी एनर्जी है, हेल्थ वाइज भी यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, और फैमिली डिस्कशंस बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली में किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है। सो ये तीन एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। कोई बड़ा एक्शन या तो लीगली या तो हेल्थ वाइज या तो इनके लाइफ से कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? प्लानिंग कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत प्लानिंग करके कोई बड़ा स्टेप ये ले रहे हैं, एवं नहीं ले रहे हैं, गुस्से में नहीं ले रहे हैं, सोच समझ कर ले रहे हैं। साथ ही अब उनको अपने लाइफ में जगह देने के उसमें है कि मतलब इन्हें अपने लाइफ में वही लोग चाहिए जो इन्हें सच में डिज़र्व करते हैं। कई लोगों की सच्चाई इनके आंखों के सामने आई है रिसेंटली, ये भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में हों जहाँ इनके अपने इनको हर्ट कर रहे हैं, या जिन पर इनको बहुत घमंड था, बहुत प्राउड था, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे वो इनकी इमेज हो, चाहे वो इनके अपने हों, उन लोगों की तरफ से इनको ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। हैरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? सेलिब्रेशन, हैंगडमैन। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट इसलिए भी आ रहा है कि या तो वो ऑलरेडी किसी कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, डिवोर्स लेना चाह रहे हैं या अलग होना चाह रहे हैं, सोच विचार चल रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से कराना चाहते हैं जिनसे वो अटैचमेंट फील ही नहीं करते, या जिनके लिए उनके दिल में कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड यही बता रहा है कि कहीं ऐसी शादी फिक्स करना या ज़बरदस्ती करना कि नहीं हम ही जहाँ पसंद करेंगे वहीं तुम्हारी शादी होगी वाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि ज़बरदस्ती कोई बर्डन देना, प्रेशर देना, और ये बंदा बेचारा या ये बंदी बेचारी अटकी पड़ी है उस सिचुएशन में कि यार क्या होगा, कैसे होगा। समटाइम्स इसे बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन रिलेटेड विद मैरिज। क्या डिसीजन ले पाएंगे आपके पार्टनर्स? डिसीजन ले पाएंगे, यस बिल्कुल ले पाएंगे, केयर फ्री होकर डिसीजन लेंगे। द फूल की एनर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा या वही करूँगी, ये वाली एनर्जी में आएंगे आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स। कुछ लोगों के पार्टनर्स इमोशनली बहुत अपसेट भी हो सकते हैं इन सब हालातों से गुजर कर, उनको हर्ट भी हो सकता है, अपनों से ट्रिगर पाके भी इनको इनका दिल दुख सकता है, मतलब इस तरह की एनर्जी है, दिल दुखाने वाली एनर्जी, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, इमोशनली बहुत अपसेट या डिप्रेशन में जा सकते हैं। हैंगडमैन की एनर्जी क्यों आई है? आपकी तरफ कोई जेस्चर करूं या नहीं करूं, बात करूं या नहीं करूं, स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं, आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट में अगर इन्होंने आपसे कोई ऐसी बातें करी हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, या इन्होंने खुद आपसे कहा है कि तुम कहीं और शादी कर लो या तुम आगे बढ़ जाओ या तुम मूव ऑन कर लो, तो कहीं सच में आप मूव ऑन तो नहीं कर लिए, कहीं सच में आप आगे तो नहीं बढ़ गए, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कोई आम कनेक्शन नहीं हो सकता। या तो आप किसी अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, या इवन कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कार्मिक के लिए इतना एनर्जी दे रहे हैं और उनके कार्मिक भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं या रखती हैं। सो ओवर एंड ऑल, चाहे जो भी आपका रिलेशनशिप हो, जो भी जर्नी हो, जो भी कनेक्शन हो, अगर आप प्योर हार्ट से अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं, तो अगर एक पेट भी होता है और आप उसे अनकंडीशनल लव देते हैं तो वो भी आपके लिए जान दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लगातार किसी को ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, तो उसके ऊपर उसका एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है,
और ये अटके हुए हैं कि आपको मैसेज करें या ना करें, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करें, अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो शेयर करें या ना करें, और आपके क्या हालचाल हैं, आप कहाँ बिजी हैं, ये भी ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। द स्टार का कार्ड क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक? क्या विशेस पूरी होने वाली हैं मेरे व्यूवर्स की? क्या उन्हें होप रखनी चाहिए? क्या होप रखनी चाहिए एंजल्स? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टेन ऑफ सोर्ड्स क्या ख़त्म होने वाला है? द वर्ल्ड एक टफ साइकिल एंड होने वाली है, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। ओके ओके माय गॉड, तीन तीन न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई है, लेकिन उसके पहले कुछ ख़त्म होगा। मैंने आपसे सबसे पहले कहा था जब मैंने रीडिंग शुरू की थी, तो मैंने आपसे एक लाइन कही थी कि आप में से कई लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कार्मिक साइकिल एंड हो जाए, रिलीज़ हो जाए, आपके पर्सन हील हो जाएं, और देखिए सेम एनर्जी निकल कर आई है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कार्मिक साइकिल की एंडिंग, ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मैंने सिर्फ एनर्जी रीड करके आपको बताया था कि इस तरह की एनर्जी लग रही है, बट क्लैरिफिकेशन में सेम एनर्जी निकल कर आई है। सेम एनर्जी यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए। तीन तीन एसेस आए हैं न्यू बिगनिंग। सो ये कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर्स की। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स? नेक्स्ट एक्शन फाइव कार्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टू मोर कार्ड्स, टू ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ हार्मोनी, लवर्स एंड एम्प्रेस। ओके, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में ये ट्रैप्ड सिचुएशन से मूव करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, और जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में है वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है उस सिचुएशन में। अगर आप में से कई लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, या खुश नहीं है उस मैरिड लाइफ में, मे बी उनकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग हो, मे बी उनके हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग हो, या फिर उनकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या उनके इन लॉज बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हों, टॉर्चर करने की कोशिश करते हों, ऐसी सिचुएशन में हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, बट ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन में स्टक है, मे बी उनका डिवोर्स चल रहा है, या मे बी डिवोर्स बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो स्टक हो गए हैं उस सिचुएशन में, वेटिंग जोन में है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी थी या है, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं बट थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है जो कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डरते हैं वो उनसे, तो भी वो इन सब सिचुएशन से निकल जाएंगे, ये उनकी विश है, और आपके साथ यूनियन में आना उनकी विश है। हारमोनी क्रिएट होगा, आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि मेजर अरकाना से भी यही एनर्जी आई है कि आपके लाइफ में आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, और साइकिक टैरो से भी यही एनर्जी आई है नेक्स्ट एक्शन में। लेट्स क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है एंजल्स? फोर ऑफ वांड्स, वाओ, कुछ बोलने की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या बोलूँ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप जो भी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, फिर भी आपको एक अलग ही विश्वास है, एक अलग ही आपके ऊपर ट्रस्ट है डिवाइन पर,
उन लोगों का रियूनियन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ मैं। जो सच्चे दिल से सरेंडर कर चुके हैं या कर चुकी हैं, जिन्हें भरोसा है अपने प्यार पर, जिनका प्यार भी उनसे उतना ही प्यार करता है, बट किसी सिचुएशन की वजह से डिस्टेंस आ गया है या सेपरेशन आ गया है, मदर गाया की एनर्जी यहाँ पर उन लोगों को यही मैसेज दे रही है कि विश्वास किया है तो अडिग रहो, सब अच्छा होगा, डिवाइन टाइमिंग पे सब अच्छा होगा। तो ये विशेष की एनर्जी है। हारमोनी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? बैलेंस की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर भाग रहे हैं कमिटमेंट से, कई लोगों के पार्टनर अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट के नाम पर हिडन हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन एट लास्ट एक टाइम आएगा जब ये बैलेंस होंगे और एक नई शुरुआत होगी आपके साथ। सो अगर ये भाग रहे हैं तो इन्हें भागने दीजिए, नेवर चेज, कभी भी चेज मत कीजिए, हमेशा अपने आप को एक जगह स्थिर रखिए, जो आपका है उसे पकड़ के रखेंगे तो वो निकल जाएगा, जकड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, फ्री रखिए, अगर आपका है तो रिटर्न आएगा, और अगर नहीं आया तो समझ लें वो कभी आपका था ही नहीं, ठीक है? तो ऑलवेज़ एक जगह पे स्थिर रहें, बैलेंस में रहें, कभी भी चेज ना करें किसी भी सिचुएशन में, राइट? तो ये नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी है। थैंक यू मदर गाया। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स? फर्स्ट कार्ड है कंटेनमेंट। तप रहे हैं आप, समटाइम्स तपते तपते आप उफन भी रहे हैं, उफन के गिर रहे हैं, जैसे दूध खोलता है तो गिर जाता है, वैसे ही आप समटाइम्स अपनी एनर्जी से बाहर निकल जा रहे हैं, गुस्से में आ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जा रहे हैं, लेकिन आपको बैलेंस क्रिएट करके चलना है, ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना है, ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आना है, ना बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में आना है। तप रहे हैं आप जैसे हीरा तपता है, ठीक है? तो ये एनर्जी में रहिए, बैलेंस क्रिएट करके चलिए, क्योंकि आपको तपाया जा रहा है किसी अच्छे पर्पस के लिए। सेकंड कार्ड है हमारे पास डेडिकेशन। डेडिकेशन से रहिए, अपनी इमोशनल साइड, अपनी फाइनेंशियल साइड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भगवान के तरफ डेडिकेशन, चारों चीज़ बैलेंस क्रिएट कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ भक्ति में ही लगे हैं, आपका मैस्कुलिन साइड इम्बैलेंस है या फेमिनिन साइड इम्बैलेंस है, या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं या बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक हैं, इमोशंस मर गया, ख़त्म हो गया, दिल पत्थर का हो गया, ऐसा नहीं, हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए, हर चीज़ को समय दीजिए। ओके, दो कार्ड और आए हैं। समर, आने वाली गर्मी आपके लाइफ में उजाला लेकर आने वाली है बहुत ज़्यादा, और कुछ साइकिल्स एंड होने वाले हैं। मून की एनर्जी है, ये जो फुल मून आने वाला है, इस फुल मून के आने तक या इस फुल मून के आसपास कुछ लोगों के लाइफ में हैवी कर्मा ट्रिगर मिल सकता है, हैवी कर्मा साइकिल रिलीज हो सकती है आपके पार्टनर के साइड। आप अगर कार्मिक सिचुएशंस में अभी भी अटके हैं तो आपको भी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, तो बी अवेयर, मैनिफेस्ट कीजिए और खुश रहिए। सो दिस इज़ टुडेज़ गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। बाय बाय।